हेलो हेलो, हम इस वक्त मौजूद हैं द एस्थेटिक क्लिनिक लाहौर में, और लाहौर की ब्रांच जो है वो है DHA फेज 6 में। एड्रेस भी पूरा बता। तो एनीवेज, तो सबसे गुड न्यूज़ ये है कि लाहौर वालों के लिए पहली मर्तबा ये लाइव सेशन, सिर्फ लाहौर वालों के लिए नहीं है, ये लाइव सेशन कराची वालों के लिए भी है। लेकिन द एस्थेटिक क्लिनिक कराची में फेबुलस फरवरी हमेशा साल लगता है, आपको पता है, हर ट्रीटमेंट पे 20% डिस्काउंट होता है। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा, हम पिछले कुछ साल, डेढ़ साल हो गया लाहौर आ रहे हैं, और हमेशा लाहौर वाले बेचारे कहते थे हमारे लिए कब डिस्काउंट आएगा, हमारे लिए कब डिस्काउंट आएगा। तो अब डिस्काउंट आप लोगों के लिए भी आ गया है, और फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए ज़रा मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको भी होना चाहिए। फैबुलस फरवरी, फर्स्ट टाइम इन योर सिटी, एट योर वेरी ओन दी एस्थेटिक क्लिनिक। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे कि इस वक्त मैं एक प्रोफाइलो करने जा रही हूँ, ठीक है, ये होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस वक्त तो जिस पेशेंट के करने जा रही हूँ उनकी स्किन बहुत ड्राई है, स्किन में सुपरफिशियल रिंकलिंग भी आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बहुत ड्राई स्किन होती है तो उसमें रिंकल्स, फाइन लाइंस बहुत जल्दी पैदा होती हैं। तो इस वक्त जो मौसम हालात चल रहे हैं मुल्क के, और वैसे भी टेंशन और स्ट्रेस और महंगाई के जो हालात चल रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही सोचती हैं, घर में अपने बजट को लेके परेशान होती हैं बेचारियाँ, कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर आप लोग बोलेंगे फिर हम दी एस्थेटिक कैसे आएँ। अब जो भी है, बजट आपने बनाना है और उसमें से अपने लिए भी कुछ ना कुछ सेव करना है। सो एनीवे, टू कट इट शॉर्ट, प्रोफाइलो हम उन पेशेंट्स का करते हैं जहां हमें सुपरफिशियल रिजुविनेशन या बहुत सारी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। एकदम से पल्प आता है, अच्छा लगता है, और ग्लो तो आता ही आता है, लेकिन आपको चूंकि वो मॉइस्चर बहुत अच्छा मिलता है और डीप मॉइस्चराइजेशन पहुंच जाती है, तो उससे फिर आपको आपकी जो सुपरफिशियल रिंकलिंग होती है वो खासी ख़त्म हो जाती है, ड्राइनेस आपकी खासी ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोगों के माथे के ऊपर यहाँ बहुत रिंकलिंग आई हुई होती है, साइड्स में एंड स्पेशली आँखों के नीचे जो एरिया होता है उसमें बहुत रिंकलिंग आई होती है। तो मैं उन लोगों को भी ये एडवाइस करती हूँ कि आप प्रोफाइलो करवाएं। एनी, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं, राइट, और वो सारे लोग जो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। वैसे आज मौसम चेंज है, लाहौर में भी चेंज है, मैं तो एक्सपेक्ट करी थी पता नहीं कितनी सर्दी होगी, गर्मी हो गई है भाई, है डॉक्टर कुरत? यस। अच्छा डॉक्टर कुरत, अब हम आप तो चूंकि हमारे लाहौर क्लिनिक में होती हैं, मैं वीक में एक दफ़ा थर्सडे या वेंसडे होती हूँ, अब आप मुझे चूंकि मौसम अब फिर चेंज हो रहा है, हाँ, तो आपका मॉइस्चराइजर, आपका सनब्लॉक, दो तीन चीज़ें तो बहुत जो नॉर्मल स्किन की रूटीन है वो तो चेंज होंगी, है ना, लेकिन अभी आप लाहौर में, आप खुद कराची से हैं मगर लाहौर में आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको ये लगता है कि लाहौर में ज़्यादा स्किन डैमेज है बनिस्बत कराची के? जी बिल्कुल। ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मैंने बोल दिया है, सही बताएं लोगों? नहीं नहीं बिल्कुल जी, ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वेदर बहुत ड्राई है एज कम्पेयर टू कराची, जी हाँ, हार्श वेदर है, तो यहाँ पे लोगों की स्किन बहुत ड्राई है, ड्राई की वजह से पिगमेंटेड बहुत है, पिगमेंटेशन की कंप्लेंट के साथ पेशेंट्स बहुत आते हैं, ठीक है, और तो फिर हम उनको मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, हाँ, और डेली रूटीन जो है हमारी, वो हम उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। हाँ, और प्लीज ये जो ये आजकल, अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे एक पेशेंट दिखा रही थी, पता नहीं कौन सा नाम ना लेना उसको, हाँ, ब्रांड का, वो एक बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो चल रहे हैं और वो क्या पसंद करती हैं कॉस्मेटिक ब्रांड्स और चीज़ें, हाँ, इजी तो उसका ना बगैर अनदेखे, क्योंकि वो एड्स देख लेती हैं कि अच्छा इतनी है तो इतने पे ये वाले सीरम्स यूज होंगे और ठीक यूँ करते हैं और यूँ हो जाता है और जो हम बनाते हैं चीज़ें, तो वो ज़रा देख के सोच के कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट, किस चीज़, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है, ज़रूर मालूम करें। और अपने डॉक्टर के पास जब भी आएँ, अगर कोई आप इस तरह की प्रोडक्ट करती है तो हिस्ट्री में ज़रूर बताएं कि आपने वो प्रोडक्ट यूज़ की है, ताकि उसको चेंज किया जाए। हम ऑब्वियसली रिकमेंड करते हैं कि इस तरह के सीरम्स या इस तरह की क्रीम्स जो आप ऐड देख के मंगाती हैं, जो आपको डॉक्टर ने नहीं देखा होता, बगैर इसके एडवाइस के यूज़ करती हैं दिखाए बगैर, वो ज़रा कम यूज़ करें, क्योंकि उसी वजह से सबसे ज़्यादा स्किन डैमेज होती है। इसलिए नहीं कि वो प्रोडक्ट गंदी है, नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं, इसलिए
या कोई सब स्टैंडर्ड है, इसलिए कि हर प्रोडक्ट आपके लिए नहीं हो सकती, इसलिए कि आपकी स्किन की कंडीशन, आपका लाइफस्टाइल, आपकी चीज़ें डिफरेंट हैं और आपको कुछ चीज़ों की अभी उस तरह से, जैसे अगर आप अपने घर में काम करती हैं और आप अपने घर के बारे में ज़्यादा जानती हैं, तो मैं एक नया आदमी होंगी, मैं उस घर के बारे में उस तरह से नहीं जानती होंगी, तो मुझे पता है कि मैं क्या आपको दे रही हूँ, तो मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। तो लोग पूछ रहे हैं कि थ्रेड्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, क्या ये प्रोफाइलर जो है स्किन टोन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है? जो स्किन टोन को बेहतर बनाने इस तरह कह देते हैं कि जिस जब होगा तो शुरू के 2-3 दिन तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी स्किन की जो कॉम्प्लेक्शन आप कह दें उसको, लेकिन प्रोफाइलो स्किन को हेल्थी बनाने में बहुत मदद करता है। जब स्किन हेल्थी होती है तो कॉम्प्लेक्शन खुद ब खुद जो है ना वो अच्छा लगता है। जैसे ये बिल्कुल वही बात है कि अगर अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रही हैं तो आपकी स्किन वैसे ही आपको इतनी जल्दी रिंकल्स नहीं आती या लाइन्स जो या वेदर की उस तरह से असर नहीं होता अगर आपको अच्छा मॉइस्चराइज किया हुआ है आपने, तो आप इस तरह वाले बन गए। हाँ जी, अच्छा मेरे तो हाँ अच्छा, मैं ये बता दूँ आपको कि हमारा जो 20% डिस्काउंट है उस पर हमारे फिलर्स से लेके ऑब्वियसली हम ब्रेस्ट एनहांसमेंट भी कर रहे हैं थ्रू फिलर्स कर रहे हैं, ब्रेस्ट सेगिंग के लिए भी चीज़ें हैं, तो वो भी उन सारी चीज़ों पे भी 20% डिस्काउंट है ऑन ऑल दोज प्रोसीजर्स, इवन थ्रेड्स पर, इवन फिलर्स पर, जो भी लेकिन वो आपको फ्रंट डेस्क से शायद सारे ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिस पर नहीं भी है, सभी हैं, कुछ हैं जिन पर नहीं है, बट वेरियस ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन आप अपने FDO से जिससे भी आपकी बात होती है या आपने चूँकि आपने हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं उसके बाद कॉल शुरू की जाती हैं आपके जो रिस्पेक्टेड ब्रांचेस हैं उसमें या डिजायर्ड ब्रांचेस जो हैं, तो वो फिर आपका FDO आपको बता देगा कि कितने परसेंट ट्रीटमेंट पे कौन सी चीज़ें हैं। डॉक्टर अब अभी नहीं ले सकती, आप बुक भी करा सकती हैं, लेकिन लेना आपको फरवरी में ही होगा, फरवरी के बाद नहीं होगा। एक पूछ रहे सवाल, मैंने सुना है अंडर आई फिलर करवाने के बाद आंखों के नीचे लाइन बन जाती है, किसने कहा ये? ये कोई किम टी हैंग है? नहीं, किम टी हैंग ये कौन सी किम है? कार्डशियंस। अच्छा हाँ, और सो नो ऐसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो टायर्डनेस आपकी जो आंखों के नीचे आ जाती है, थकी थकी सी आंख लगती हैं, वो खांसी इम्प्रूव हो जाती है अगर आप अंडर आई फिलर करा लेती हैं। अगेन हर कैंडिडेट अंडर आई फिलर का कैंडिडेट नहीं होता, ठीक, सो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ये नहीं कि अच्छा मेरे आप बहुत खड्डे हैं आँख के नीचे आ रहे हैं खड्डे तो मैं जाके फिलर करा लेती हूँ, हो सकता है आप कोई वो कैंडिडेट ही ना हो, या आपका आपको कुछ डिफरेंट सजेस्ट करें, कुछ दिनों बाद फिलर सजेस्ट करें, पहले कुछ और करना चाहें, ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर। हफ्सा अली पूछिए, आई एम 28, मेरी आईज पर आईज के अराउंड स्किन सैगी हो रही है, प्लीज़ टेल मी एनी ट्रीटमेंट। प्लीज सबसे पहले तो मॉइस्चर लगाना शुरू करें, वो आप सैगीनेस उसको मुझे पता है पेशेंट्स उसको भी बोल देते हैं जो ड्राइनेस की वजह से रिंकलिंग आ रही होती है, ठीक है, सो पहले तो अपनी डॉक्टर को जाके दिखाएं कि अगर वाकई रिंकलिंग आ रही है तो उसके लिए वो कोई बहुत अच्छा मॉइस्चर दे, कोई अच्छी नाइट क्रीम दे आपको और कोई अच्छा सिरम दे, उनको ज़रूर लगाएं, और साथ में सनब्लॉक दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें अराउंड, हमेशा क्या होता है कि सनब्लॉक हम इस तरफ इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्रालों में इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी सनब्लॉक लिप्स पे नहीं इस्तेमाल किया जाता और आँख के आसपास का जो एरिया ये जो कैविटी है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस जो आई का सर्कल है पूरा उसके उसकी पे जो स्किन है वहाँ भी सनब्लॉक लगाएं और अपनी लिप्स पे भी सनब्लॉक लगाएं। दैट्स इट। Thank you.